अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम उर्दू अदब में तीन से चार चैप्टर, एटलीस्ट तीन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में उर्दू ग्रामर स्टार्ट करेंगे। उसमें मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे, गिनती पढ़ेंगे और कुछ कलमे और उनके अकसाम पढ़ेंगे और कुछ हम वाहिद जमा की डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी उनकी तारीफें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा उर्दू ग्रामर का पहला टॉपिक है मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज किन अल्फाज को कहा जाता है, तो उसकी हम तारीफ पढ़ते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। जिन अल्फाज के एक ही मायने हों इन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, जैसे आसान और सहल। आसान मायने ईजी और सहल मायने भी ईजी। तो आसान के और सहल लिखने में दो अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग एक होते हैं। अंधेरा तारीखी, इन दोनों को लिखने में इनमें वर्डिंग जो है वो डिफरेंट यूज़ हुई हैं, इनमें हरूफ दूसरे यूज़ हुए हैं, लेकिन इसके मीनिंग क्या है, सेम है। फल और समर, दोनों के मीनिंग सेम है। इंग्लिश में हम इनको सिमिलर वर्ड्स कहते हैं और उर्दू में हम इनको मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। एक जैसे अल्फाज जो कि लिखने में तो अलग अलग होते हैं, जिनमें हरफ तहजी अलग यूज़ होते हैं, लेकिन पढ़ने में भी उनकी आवाज़ अलग होती है, लेकिन उनके मायने क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आम इस्तेमाल में आने वाले कुछ मुतरादिफ अल्फाज आपको दिए जा रहे हैं, इन्हें लिख लें अपनी ग्रामर की कॉपी में और इन्हें अच्छी तरीके से याद भी कर लें। ठीक है, तो हमारा मुतरादिफ अल्फाज मुतरादिफ है आराम। उसके दूसरा मुतरादिफ अल्फाज है आशाइश। आशाइश माने भी आराम है और आराम माने भी आशाइश है। आफ्ताब, आफ्ताब कहते हैं सूरज को। ठीक है, और एक दूसरे इसके मीनिंग होते हैं शम्स। शम्स माने रोशनी, उसकी मीनिंग भी सूरज ही है। बद माने बुरा, और वैसे बुरे का मायने भी बुरा। ठीक है, अमीर दौलतमंद, बर्बाद बेआबाद। बर्बाद माने कुछ भी बाकी ना रहे, बेआबाद माने कुछ भी बाकी ना रहे। पुराना कदीम, जहन्नुम दोजख। जहन्नुम के मायने भी दोजख हैं, दोजख के मायने भी जहन्नुम में सेम मीनिंग है। चाबी कुंजी, बरस साल हैवान जानवर। आप इनको अपने उर्दू की ग्रामर की कॉपी में लिखेंगे और इनको अच्छी तरीके से याद भी करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी और इसके जो मुतरादिफ अल्फाज आपको 10 मुतरादिफ अल्फाज दिए गए हैं उनको याद भी करेंगे और अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देख के भी उनके सिमिलर वर्ड्स जानने की और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब नए टॉपिक में नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।